Hi, this is Bobby Deol. I support Skill India. Kaushal Bharat, Kushal Bharat. भारत के लिए सबसे पहली अगर कोई प्राथमिकता है रोजगार के योग्य नौजवान को तैयार करने के लिए हमारी आवश्यकता है ITI. मल्टीक्राफ्ट प्राइवेट ITI, गोविंदपुर धनबाद. एडमिशन ओपन. ट्रेड इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर. कॉन्टेक्ट नंबर 9431168747. हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स. मैं वर्की सर आज आपके लिए वायरिंग का कनेक्शन लेकर आया. लेकिन उससे पहले मेरा क्लास है वायरिंग से रिलेटेड, इसमें मैं बता रहा हूँ वायरिंग के बारे में. देख सकते हैं हमने एनर्जी मीटर को लिया है, ICBP मेंसिस को लिए हुए, वोल्ट मीटर है जो कि AC का है, एक एम्पियर मीटर है मेरा जो कि AC का है, ये मेरा सीलिंग फैन है, ये मेरा 3 बल्ब, ठीक है, ये मेरा फ्यूज, ये इंडिकेटर, ये आपका 4 स्विच दिए हुए, 4 स्विच जो मेरा है 1/4, ठीक है. ये एनर्जी मीटर के बारे में थोड़ा हमको जानना. एनर्जी मीटर में 2 कॉइल होते हैं, ठीक है. एनर्जी मीटर के अंदर इंटरनल डायग्राम में देखे देंगे तो 2 कॉइल होते हैं. एक का नाम होता है CC, ठीक है, इसके हम नाम दे देंगे CC यानी करेंट कॉइल. CC मीन्स हुआ करेंट कॉइल. तो करंट कॉइल का काम हुआ है फेज यहाँ पे देंगे और फेज को आउट कर देंगे, ठीक है. देखिए वही हुआ सप्लाई 1 यहाँ पे इन होगा यानी कि फेज को हम लोग यहाँ पे इन करा देंगे, ठीक है. और यही फेज यहाँ से आउट होगा जो कि मेरा देखिए S1 लिखा हुआ है, L1 लिखा हुआ जो कि मेरा ICBP के स्विच में आए, ठीक है. अब इसमें ये एनर्जी मीटर करेंट कॉइल यदि रहा केवल तो ये काम नहीं करेगा, क्या बिजली खपत हो रही है भी डिक्रेशन नहीं देगा, ठीक है. तो इस चीज को भी हम लोग दिखाते हैं. इसमें एक कॉइल और होता है जब इसको ऑपरेट होता है चलाने का काम होता है, उसके हम लोग बोलते हैं DC. देखिए वो यहां से कनेक्ट होता है और वो बाईपास होता है, ठीक है. इससे हम लोग बोलते हैं PC. देखिए इसमें क्या होता है न्यूट्रल यहां पर हम डाले और यही से बाहर, लेकिन ये कॉइल तो दोनों चाहिए न्यूट्रल और फेज, तभी प्रेशर को बनाता है तभी ये करेंट कॉइल हमारा रीडिंग देना चालू करता है, ठीक है. इस तरह का ये हो गया करेंट कॉइल, ये हो गया प्रेशर कॉइल, इसी कनेक्शन इंटरनल डायग्राम में रखे हुआ, ठीक है. ये मेरा इंटरनल डायग्राम हुआ, तो यहां से न्यूट्रल थी, न्यूट्रल यहां से बाहर मेरा हो गया. तो वही आदि की इसमें यहां पर न्यूट्रल हम डालेंगे और न्यूट्रल यहां से मेरा बाहर, ये मेरा ICBP तक मेरा कनेक्शन हो गया. ये मेरा क्या है एनर्जी मीटर का इंटरनल डायग्राम, ठीक है. ये आप देख इंटरनल डायग्राम, कोई दिक्कत आपको नहीं है. ये मैंने कनेक्शन किया हुआ है. एक्चुअली क्या होता है जितना भी मीटर वाला होता है सर्विस लाइन का व्यक्ति वो मीटर को देखता है, वो क्या होता है उससे पहले हम लोग कोई भी फ्यूज नहीं लगा सकते सर्विस लाइन, जो सर्विस लाइन से सप्लाई आएगी ना इसके पहले हम फ्यूज या तार पे किसी प्रकार का कट नहीं लगाएंगे. यदि कट लगाते हैं तो गवर्नमेंट का अधिकारी जिस कंपनी का हम सप्लाई लिए हुए हैं उसका कोई अधिकारी आके मेरे ऊपर जांच बैठा देगा, घर के मकान मालिक को फंस जाएगा, ठीक है. क्या होता है फ्यूज लगा देंगे तो हम मीटर को ब्रेक करके ब्रेकडाउन करके हम अपने घर में बिजली का काम ले सकते हैं और मीटर रीडिंग में नहीं देगा. तो वो काम हम लोग यहाँ पे तार में किसी भी प्रकार का कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए तार के पहले. अब क्या होता है इसके बाद हम लोग फ्यूज लगाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं एनर्जी मीटर के नीचे में ही फ्यूज यहाँ पे लगा देते हैं, ऐसा भी आप लोग देखेंगे. लेकिन एक्चुअली कोई आवश्यकता नहीं लगाने का, आप ICBP मेन स्विच लाए उसमें फ्यूज लगता है वो फ्यूज मेरा इनसफिशियंट है. तो चलिए अब इसके बाद हम जब से ICBP से वोल्ट मीटर आ गया तो वोल्ट मीटर को क्या चाहिए फेज और न्यूट्रल दोनों, क्योंकि यह लगता है पैरेलल क्रम में. वोल्ट मीटर किस क्रम में लगता है पैरेलल क्रम में. चलिए हम लोग पैरेलल में लगा से यानी समानांतर में लगा देते हैं, यानी दोनों चाहिए. यहाँ पे हम दे दिए आपका न्यूट्रल, ठीक है, यहाँ पे हम दे दिए सिर्फ फेज, जिससे मेरा वोल्ट मीटर तो ऑपरेट हो गया. अब बात आता है एम्पियर मीटर. तो एम्पियर मीटर में क्या होता है एक्चुअली हम न्यूट्रल भी देंगे और सीरीज से निकाल देंगे तो मेरा काम करेगा, क्योंकि एम्पियर मीटर को सीरीज में लगाना है या हम फेज के क्रम में लगा दें सीरीज में या न्यूट्रल के क्रम में लगा सकते, कहीं भी लगा सकते हो अपने इच्छा. लेकिन हम लोग जो पढ़े हैं इंडियन इलेक्ट्रिक रूल उसके हिसाब से हम लोग वोल्ट मीटर में फेज सप्लाई को इन, तो फेज सप्लाई मेरा ये हो गया. चलिए इससे हम लोग फेज सप्लाई इन करें, ठीक है. अब तो फेज यहां निकाली तो फेज से आउट हो लगता है एम्पियर मीटर का,
सीरीज करंट में क्या एम्पीमीटर करना होता है विद्युत धारा का सीरीज करंट, तो सीरीज में हुआ ठीक है, यहां से फेज निकल के फिर आ जाएगा फ्यूज में, चलिए फ्यूज में आ गए। अब फ्यूज कहां लगता है विद्युत धारा का, सबसे कमजोर अंग माना गया फ्यूज को, तो कमजोर अंग माना गया यानी को लगेगा सीरीज में, सीरीज में लग गया। अब यहां सप्लाई में फिर आया, अब हम सभी उपकरण में हम अपना सप्लाई डाल देंगे जो कि फेज के काम में बुला रहे हैं। तो चलिए यहां से फेज निकाले सभी उपकरण डाल, ये स्विच में, इस स्विच में, इस स्विच में, इस स्विच में, और ये इंडिकेटर को क्या चाहिए, न्यूट्रल फेज दोनों चाहिए, क्या इंडिकेटर को न्यूट्रल फेज दोनों चाहिए, दोनों हम उसमें इन कराते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें न्यूट्रल भी चाहिए, इसको भी न्यूट्रल चाहिए, इसको भी न्यूट्रल, सभी को न्यूट्रल चाहिए ठीक है, वोल्ट न्यूट्रल न्यूट्रल मेरा आया हुआ है, तो हम हर न्यूट्रल ले जाएंगे। चलिए ओवरलैपिंग से बचने के लिए थोड़ा हम लोग बुद्धि लगाते हैं, वायर की खपत को बढ़ाएंगे, लेकिन मेरा ओवरलैपिंग नहीं होगा, दूसरे पर तार नहीं चलेगा। यहां से न्यूट्रल मेरा है, इसे हम लोग यहां से ले आते हैं ठीक है, इसे देखिए हम लोग यहाँ आ गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, सभी में एक एक आगे इसमें कनेक्ट हो जाएंगे, ये इससे कनेक्ट, ये इससे कनेक्ट, ये इससे ठीक है। अब हमको चाहिए इंडिकेटर, इंडिकेटर सीधा यहाँ से गया। अब क्या हो देखा, कहीं पे ओवरलैपिंग मेरा कोई कनेक्शन नहीं है ठीक है, इसको हम तो यहाँ पे मिला देंगे, इससे कंट्रोल कर मेरा फैन को, ये ऑन करेंगे मेरा फैन चालू, ये बल्ब को ऑन करेंगे, इसको ऑन करेंगे मेरा बल्ब चालू, जिसको भी ऑन करेंगे ये बल्ब मेरा चालू, ये बल्ब करेंगे इसको मेरा ये बल्ब चल रहा है। ये जो मेरा है वायरिंग तो सिंपल है, मेरा जो आज मेन फोकस था आईसीटी सर्विस लाइन से आईसीटी से वोल्टमीटर का सप्लाई होता है, ये हम रिपीट करते हुए आए, कनेक्शन डायग्राम वायरिंग का सिंपल होता है, लेकिन मेरा मेन फोकस था एनर्जी मीटर को देखाने का ठीक है। तो आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा, आपको नहीं समझ में आया तो आपके पास स्क्रीन शॉट लेके खुद से ड्रॉ करें, ड्रॉ कीजिएगा आपको दिख जाएगा बारीक से, कहीं कहीं कोई दिक्कत है तो हमको बताइए, स्क्रीनशॉट सही से आप ले लीजिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने में कोई अगर आई नहीं कीजिएगा ठीक है, यदि कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो जल्दी आज के मेरा क्लास समाप्त होता है, मैं कल फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, धन्यवाद। हाय आई एम सोनू सूद एंड आई सपोर्ट स्किल इंडिया, कौशल भारत कुशल भारत। भारत के लिए सबसे पहली अगर कोई प्राथमिकता है रोजगार के योग्य नौजवान को तैयार करने के लिए, हमारी आवश्यकता है आईटीआई। मल्टीक्राफ्ट प्राइवेट आईटीआई गोविंदपुर धनबाद, एडमिशन ओपन, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर, कॉन्टेक्ट नंबर 9431168747।